डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। टूडे वी सॉल्व सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर, योर फर्स्ट एग्जाम्पल Factorize factorize 2x square minus 5 by 6x 2x square minus 5 by 6x plus 1 by 12। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, तो इनके एलसीएम क्या होगा, 12। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय 12, 2 का 12 में डिवाइड, इसको 2 बाय 1 भी लिख सकते हैं, 1 का 12 में डिवाइड करेंगे, 12 टाइम्स 12 इंटू 2 दैट इज 24 एक्स स्क्वायर, 6 टू या 12, 2 इंटू 5 10 एक्स प्लस 12 का 12 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय 12 इंटू 24 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करते हैं, ए इंटू सी। अब बी को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करने पर ए सी के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर रफ वर्क आप करेंगे, 24 इंटू 1 दैट इज 24। अब 10 को टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, उनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो 6 एंड 4 जाए 24, 6 प्लस 4 करेंगे 10 हो जाएगा, 1 अपॉन 12 इंटू 24 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 और माइनस 6 इंटू माइनस 4 प्लस 24 हो जाएगा प्लस 1। दो का फेयर बना लिया जाए, 1 बाय 12 इंटू फर्स्ट वाले फेयर से कॉमन क्या होगा, 6x 6 4 जाए 24 4x माइनस 1, इसमें कॉमन हो जाएगा माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय 12 इंटू 4x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज 5 इंटू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर 3x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 8। इसको फैक्टराइज करना हम, तो इसमें 3x प्लस वाई को सपोज कर लें, लेट 3x प्लस वाई इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन कौन सा फॉर्म हो जाएगा, यह पॉलीनोमियल 5 इंटू 3x प्लस 5 को m सपोज किया गया, 3x प्लस 5 इसके यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3x प्लस वाई 6m माइनस 8। अब या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, यहाँ पर 5m स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8 5 जा 40 माइनस 40 आएगा। अब 6 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करें जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 40 हो जाए। तो 40 का आप डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हैं, 40 का फैक्टर कर लें, 20 10 2 5 जा 10 5 1।
अब इसको एडजस्ट किया जाए, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 करेंगे 6 हो जाएगा, और 10 इंटू 4 करेंगे 40 हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं हम 10 माइनस 4 AM - 8 इक्वल टू 5 AM² प्लस 10 AM - 4 AM - 8। ग्रुपिंग कर लिया जाए 2 2 का, फर्स्ट वाले ग्रुप से कॉमन 5 AM - 2 AM+2, इसमें कॉमन हो जाएगा -4 AM+2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m+2 × 5 AM - 4। m का वैल्यू पुट कर लिया जाए, m को क्या सपोज किया गया, 3x + y, यह हो जाएगा आपका 3x + y + 2 × 5 × 3x, 5 × 3x + y - 4। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + y + 2 × 15x + 5y - 4, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट 4 - 3x² + 2 -3x² + 2। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, x² - 3x² + 2। या सपोज कर लिया जाए, लेट x² = m, देयरफोर यह हो जाएगा आपका m² - 3m + 2। x² को m सपोज किया गया, तो x² को लिख सकते हैं m² - 3m + 2। अब इसका फैक्टर कर लें, यह हो जाएगा m² - 2m - m + 2। 2 2 का ग्रुपिंग कर लिया जाए, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा m - 2 - 1 × m - 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m - 2 × m - 1। m का वैल्यू यहाँ पुट कर लें, m के यहाँ पर x² - 2 × x² - 1, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज 7√2x² - 10x - 4√2 -10x - 4√2। इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, 7√2 × 4√2, 7 4 जा 28, 28 × 2 दैट इज 56। अब 10 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 56 हो, तो 56 का फैक्टर कर लें, 2 28 जा 56, 2 से कैंसिल होगा 14, 2 से कैंसिल करें 7, 7 से कैंसिल करेंगे 1। अब एडजस्ट करें इसको, 7 2 जा 14, 14 माइनस 4 करेंगे 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7√2x² - 10 को लिख सकते हैं 14 - 4 × x - 4√2। ब्रैकेट को ओपन कर लें, 7√2x² - 14x + 4x - 4√2। 2 2 का फेयर कर लिया जाए, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, 7 कॉमन हो जाएगा, √2x 7x भी कॉमन हो जाएगा,
रूट टू एक्स माइनस टू। ऐसे इसमें क्या कॉमन होगा, फोर एक्स माइनस रूट टू। अभी देख रहे हैं यहाँ पर सेम नहीं है ब्रैकेट वाला टर्म, अभी भी इसमें से कुछ कॉमन होगा, सेवन एक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा रूट टू, तो क्या मिलेगा एक्स माइनस रूट टू। टू को आप लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, उसमें से रूट टू को कॉमन कर लिए तो क्या मिलेगा रूट टू प्लस फोर इंटू एक्स माइनस रूट टू। अब देख रहे हैं ब्रैकेट वाले दोनों टर्म सेम हो गए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट टू इंटू सेवन सेवन रूट टू एक्स प्लस फोर, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टराइज फाइव रूट फाइव एक्स स्क्वायर, फाइव रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स प्लस एट रूट फाइव, एट रूट फाइव। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, पहले इनका आपस मल्टीप्लाई करना है, फाइव रूट फाइव इंटू एट रूट फाइव, तो फाइव एट जा फोर्टी, फोर्टी इंटू फाइव टू हंड्रेड। अब थर्टी को ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर टू हंड्रेड हो जाए, तो ट्वेंटी इंटू टेन, ट्वेंटी इंटू टेन करेंगे टू हंड्रेड हो जाएगा, ट्वेंटी प्लस टेन डेट इज थर्टी। तो इसको आप लिख सकते हैं हम फाइव रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एट रूट फाइव, टू टू का फेयर कर लिया जाए, पहले वाले ग्रुप से क्या कॉमन होगा फाइव एक्स रूट फाइव एक्स प्लस फोर, ऐसे यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा टेन को, टेन को आप लिख सकते हैं टू इंटू फाइव, टू इंटू फाइव को रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो टू रूट फाइव यहाँ से कॉमन हो जाएगा, टू रूट फाइव आएगा क्या, टू रूट फाइव कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या रूट फाइव, रूट फाइव एक्स प्लस टू रूट फाइव से एट रूट फाइव में डिवाइड करें हम, एट रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू रूट फाइव, वैल्यू क्या हो जाएगा फोर, प्लस फोर यहाँ हो जाएगा रूट फाइव एक्स प्लस फोर। देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम हैं, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट फाइव एक्स प्लस फोर इंटू फाइव एक्स प्लस टू रूट फाइव, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान देंगे, सबसे पहले ए इंटू सी मल्टीप्लाई किए, फाइव रूट फाइव इंटू एट रूट फाइव टू हंड्रेड हो गया। अब थर्टी को टू पार्ट्स में डिवाइड करना जिनका मल्टीप्लाई करने पर टू हंड्रेड हो, तो थर्टी को आप लिख सकते हैं ट्वेंटी प्लस टेन, ट्वेंटी टेन जा टू हंड्रेड। अब टू टू का फेयर हो गया, फर्स्ट वाले ग्रुप से यहाँ से फाइव एक्स कॉमन कर लिया गया, तो रूट फाइव एक्स प्लस फोर, ऐसे इस वाले ग्रुप से, तो इस वाले ग्रुप से टेन को आप लिख सकते हैं टू इंटू फाइव, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो टू रूट फाइव कॉमन कर लिया गया यहाँ से, टू रूट फाइव कॉमन लेंगे मिलेगा क्या रूट फाइव, रूट फाइव एक्स, और एट रूट फाइव में टू रूट फाइव से डिवाइड करेंगे फोर आ जाएगा, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में फोर होगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों वाले दोनों ब्रैकेट वाले टर्म सेम होगा, यानी फैक्टर हमारा फैक्टराइजेशन राइट है। इसको रूट फाइव एक्स प्लस फोर को एक ब्रैकेट में कर लिया गया, फाइव एक्स प्लस टू रूट फाइव को दूसरे ब्रैकेट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फैक्टराइज फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव, फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले इंटू से मल्टीप्लाई करें, फोर इंटू ट्वेंटी फाइव,
25 4 100। अब 20 को टू पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आया, तो 20 को आप लिख सकते हैं 10 + 10, 4x² + 10x + 10x + 25, 2 2 का पेयर कर लिया जाए। फर्स्ट वाले से कॉमन क्या होगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x + 5, सेकंड से कॉमन 5 × 2x + 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 5 × 2x + 5, दैट इज 2x + 5² ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3 से आरएस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको लाइव क्लास में प्रॉब्लम आपका सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।